बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज की इस वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र BSc सेकंड ईयर में हैं, तो एजुकेशन का यहाँ थर्ड पेपर लेके आए। और एजुकेशन के थर्ड पेपर में हम देखेंगे कि 2022 में आने वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि बस आप इन क्वेश्चन को ही पढ़िए, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। आप यूपी के किसी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार से, एमपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो यही क्वेश्चन आएंगे। कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। आपको खुद विश्वास हो जाएगा जब आप इस तरीके से यहाँ तक फॉलो पहुँचोगे। अब यहाँ क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको ध्यान से देखो। अब टिक लगा लो अपने नोट्स बुक गैस पेपर जो भी है उस पर टिक लगा लो, और आप लगाएंगे कि पहला है निर्देशन से आप क्या समझते हैं, मतलब कि निर्देशन की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। निर्देशन का बोला गया है कि मूलभूत सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, तो सिद्धांत को आपको देख लेना है, वही उपयोगिता और उनका महत्व के बारे में भी याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक निर्देशन के महत्व सिद्धांत क्या होते हैं, शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा आप देखेंगे, उसके सिद्धांत को बारे में पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन है। उसके बाद आता है व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य क्या होते हैं, ये आप पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन यहां देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, पारिवारिक निर्देशन की उपयोगिता उद्देश्य और प्रक्रिया के बारे में, मतलब कि जो पारिवारिक निर्देशन होता है उसकी परिभाषा बताइए, ये आप देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय निर्देशन क्या होता है, उनके संगठन कैसे होता है, विद्यालय निर्देशन का संगठन कैसे होता है, ये आप याद करेंगे। वही निर्देशन कार्यक्रम में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है, कोई निर्देशन कार्यक्रम है उसमें प्रधानाचार्य होता है उसकी क्या भूमिका होती है, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे, यहां बोला गया है समूह निर्देशन क्या होता है, समूह निर्देशन क्या होता है, परामर्श और प्रकार, चरण और लक्ष्य क्या होता है, चरण और लक्ष्य को भी आप याद करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है नीचे परामर्श क्या होता है, और देखो परामर्श मतलब कि हम किसी से परामर्श लेते हैं, सुझाव लेते हैं, यह है निर्देशन किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है, समझाइए भेद कैसे है, इन दोनों में अंतर क्या है, परामर्श और क्या होता है निर्देशन में अंतर आपको बताना है। यहां बोला गया है विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन सिद्धांत क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूं यही पेपर में आएंगे, बाकी कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। निर्देशन की परिभाषा, उसकी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करिए, ये आपसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को आपने टिक लगा लिया। चलो नीचे चलते हैं, और नीचे हमसे बोला गया है, ये बोला गया है देखो शैक्षिक निर्देशन का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, महत्व और क्षेत्र के बारे में देखना है। शैक्षिक निर्देशन का अर्थ क्या होता है, उनकी परिभाषा, उनकी महत्व के बारे में देखना है। नीचे है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में अंतर, उनके संबंध को स्पष्ट करना है। निर्देशन से निर्देशन में जो परामर्शदाता होता है, जो पराश्रम आपको देता है, परास्त कह सकते हैं, पराश्रम देता है, आपको सुझाव देता है, उस दाता के बारे में एक्सप्लेन करना होता है, और उनकी विशेषताएं, उन्हें पराश्रम की परिभाषा, परामर्श की परिभाषा, परामर्शदाता जो होता है निर्देशन देने वाला उसके बारे में, और परामर्श होता क्या है उसकी विधि निर्देश परिभाषा आपसे पूछा गई है। और यहाँ लास्ट में आपसे पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पूछा गया है निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक जो परामर्श होता है उसमें आपको अंतर देखना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे जाएंगे, और नीचे क्वेश्चन है देखिए विद्यालय, बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और कुछ नहीं पढ़ना आपको, विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन, ठीक है। और यहां बोला गया है इनके प्रवचन जो कह रहा है प्रचलित प्रारूपों का वर्णन करना है, प्रचलित प्रारूपों के बारे में, और ये क्वेश्चन बोला गया कि भारत में निर्देशन के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो। अब जब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।